बल्लभगढ़ मोहना रोड पर स्थित पूर्व कांग्रेसी विधायक शारदा राठौर कार्यालय पर नोटबंदी को पूरा एक साल बीत जाने के बाद 8 नवंबर को मनाया गया काला दिवस। इस बीच करीब सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रोड पर जोरदार नारेबाजी की, साथ ही सरकार को काले झंडे दिखाते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। आपको बता दें कि नोटबंदी को आज पूरा एक साल हो गया है, जिसको लेकर कांग्रेसियों की सोच है कि जो नोटबंदी सरकार ने 8 नवंबर 2017 को करवाई थी वो कहीं ना कहीं आम जनता के लिए काफी परेशानी भरी रही है। इसके चलते कांग्रेस सरकार इस फैसले के विरुद्ध है, क्योंकि कांग्रेस सरकार हमेशा गरीब और आम लोगों के साथ खड़ी रहती है। साथ ही पूर्व विधायक शारदा राठौर ने बीजेपी पर निशाना साधा। दिखाई दे रहा है नजारा बल्लभगढ़ के मोहना रोड पर स्थित पूर्व विधायक शारदा राठौर के दफ्तर का है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नोट बदली को लेकर प्रदर्शन किया, साथ ही सरकार को काले झंडे भी दिखाए। इतना ही नहीं, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंका, साथ ही सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। इस बीच मौजूदा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार के नोट बदली वाले फैसले को गलत बताते हुए कहा कि यह जनता के साथ बड़ा ही धोखा है, जो कि लोगों को बिल्कुल गवारा नहीं है, और इस बार लोग इसका परिणाम बीजेपी सरकार की जगह कांग्रेस सरकार को चुन कर देंगे। नोटबंदी का एक साल हो गया है, एक साल में देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली अजगर बनकर पूरे देश की अर्थव्यवस्था को खा गए हैं, लोग कंगाल कर दिए हैं, देश को 20 साल पीछे पहुंचा दिया है। तो आज हम काला दिवस मना रहे हैं, ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ कि इस तरह अर्थव्यवस्था लुढ़की हो, जीडीपी इतने नीचे आ गई हो। नरेंद्र मोदी देश को आगे ले जाने की बात करते थे, भ्रष्टाचार मुक्त देश देने की बात करते थे, आतंकवाद से लड़ने की बात करते थे, देश को हर घर को रोटी कपड़ा मकान देने की बात करते थे, 15-15 लाख रुपए देने की बात करते थे। लेकिन इसके उलट नरेंद्र मोदी ने देश का सारा पैसा बैंकों में जमा कर लिया है, और जो 10 बड़े कुनबे हैं बिजनेस के घराने, उनको सारा पैसा दिया जा रहा है। छोटा व्यापारी बिल्कुल मर चुका है, गरीब दुकानदार रो रहा है, आज किसान रो रहा है, महिलाएं रो रही हैं, मजदूर रो रहा है, व्यापारी रो रहा है, कोई भी वर्ग, चाहे नौजवान है, कोई भी वर्ग खुश नहीं है नरेंद्र मोदी से। तो आज हम काला दिवस मना रहे हैं, क्योंकि आज के दिन ही नरेंद्र मोदी ने ये तुगलकी फरमान जारी किया था नोटबंदी करने का, जिसका नतीजा ये है, चाहे वो रियल स्टेट हो, चाहे वो छोटा दुकानदार है, सारे धंधे चौपट हुए पड़े हैं। और आज के दिन हम प्रण लेते हैं, शपथ लेते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। नरेंद्र मोदी ने एक साल पहले नोटबंदी करी थी, और हम अब नरेंद्र मोदी की वोट बंदी करेंगे, अब वोट नहीं लेने देंगे। जनता दुखी हो चुकी है, त्रस्त हो चुकी है। आज का काला दिवस नरेंद्र मोदी को रोने के लिए, नरेंद्र मोदी का मातम मनाने के लिए हम कर रहे हैं, और देश की अर्थव्यवस्था के लिए हम बहुत अफसोस करते हैं। कब ये शासन खत्म होगा और कब देश में एक मजबूत सरकार बनेगी, फिर से लोगों की जेब में पैसा आएगा, फिर से खुशहाली होगी।